पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों को अपना रही हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई जरूरी नहीं था। ये क्यों क्या करा? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए। कैमरे में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर। मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी तब भी मैं ये सब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी तब भी मैं ये करती थी, ठीक। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए। और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी का जिक्र भी किया। मिथिलेश भाटी पर सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि मिथिलेश भाटी के बयान की वजह से सीमा हैदर और सचिन बुरी तरह परेशान थे। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए मुझे। इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मर जाऊँ, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात है। कोई बाहर जाता ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता ना तो यही की बात करते हैं, ये बैठक कर रहे थे। और वकील एपी सिंह ने दावा किया कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है बल्कि वो प्यार के लिए भारत आई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीमा हैदर किसी भी तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मैंने भी इनकी याचिका में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अभी एटीएस जांच कर रही है, आप सीबीआई से जांच कराइए, रा से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, आईबी से जांच कराइए। आपको लगता है झूठ बोल रही सीमा, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, जो टेस्ट कराने आप टेस्ट करा लीजिए। पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से हिंदू रीति रिवाज और त्योहारों को अपना रही हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई जरूरी नहीं था। ये क्यों क्या करा? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए। कैमरे में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर। मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी तब भी मैं ये सब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी तब भी मैं ये करती थी, ठीक। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए। और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी का जिक्र भी किया। मिथिलेश भाटी पर सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि मिथिलेश भाटी के बयान की वजह से सीमा हैदर और सचिन बुरी तरह परेशान थे। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए मुझे। इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, मर जाऊँ, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात है। कोई बाहर जाता ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता ना तो यही की बात करते हैं, ये बैठक कर रहे हैं। और वकील एपी सिंह ने दावा किया कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है बल्कि वो प्यार के लिए भारत आई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीमा हैदर किसी भी तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मैंने भी इनकी याचिका में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को बड़े साफ शब्दों में लिखा कि अभी एटीएस जांच कर रही है, आप सीबीआई से जांच कराइए, रा से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, आईबी से जांच कराइए। आपको लगता है झूठ बोल रही सीमा, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, जो टेस्ट कराने आप टेस्ट करा लीजिए।